अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? मैं खुदा से दुआ करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और उम्मत मुस्लिमा की तमाम परेशानियों को परवरदिगार आलम हल कर दे, आमीन या रब्बिल आलमीन। चलें अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। आज हमारे किचन में बनने जा रही है रशियन सैलेड। रशियन सैलेड बनाने के लिए हमें मैक्रोनी चाहिए। आलू मटर मैंने उबाल लिए थे, इसलिए इतनी ज़्यादा बन रही है कि मेरे घर में दावत है और मैं व्लॉग से हटकर ये जो है रशियन सैलेड की रेसिपी अपलोड कर रही हूँ। मैंने इससे पहले नहीं की थी। मायोनीज और ये रेड बीन्स, कॉर्न, अनानास, फ्रेश क्रीम और एप्पल। एप्पल सबसे एंड में काट रही हूँ मैं, इसलिए कि एप्पल जो है ना वो काले पड़ जाते हैं, वो मैं आखिर में काट के ऊपर से डालूंगी। और ये थोड़ी सी सब्जियाँ, बंद गोभी, शिमला मिर्च और गाजर, और वो मैंने सब चकोर चकोर जो है काटी हैं। सबसे पहले हम इसमें 3 कप भर भर के मायोनीज डाल देंगे और 2 जो हैं मैं ये फ्रेश क्रीम डालूंगी। अब हमने इसमें चने, रेड बीन्स, अनानास और ये सब्जियां मैं इसमें शामिल कर रही हूँ सारी की सारी। इसमें मैंने डाला है काली मिर्च, डाली है मैंने कूट के ददरी सी, 2 टेबल स्पून। नमक डाला है मैंने 1.5 टेबल स्पून। सॉरी, मस्टर्ड पेस्ट डालूंगी मैं 1/2 टीस्पून। अब मैं इसके अंदर मैक्रोनी शामिल कर दूंगी और 3 कप जो है मैं इसके अंदर मायोनीज शामिल करूंगी और 2 बॉक्स जो हैं ये वाले मैं, मतलब आप ले लें 3 कप ही आप फ्रेश क्रीम ले लें। आलू मटर है वो भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, ये डाल रही हूँ इसके अंदर, ठीक है। इन सबको पहले मिक्स कर लेंगे क्योंकि मैंने नमक और काली मिर्ची मिलाई हैं, इसलिए इसके अंदर वो मिक्स हो जाए तो मायोनीज और फिर मैक्रोनी इसके अंदर मैं मिक्स कर दूंगी। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इसमें चीनी डाली है 2 टेबल स्पून। अगर आप ज़्यादा डालना चाहते हो तो ज़्यादा डाल दें, मुझे चीनी कम पसंद है। इसमें मैंने मायोनीज 3 कप डाली है और 3 कप ही मैंने इसमें क्रीम डाली है, कम पड़ेगी तो और डालेंगे। अब हम इसको मिक्स करते हैं, मिक्स करके मैं आपको दिखाती हूँ। चलें जी, मज़ेदार सी रशियन सैलेड हमारी तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे आपके कमेंट्स का बहुत इंतजार रहता है। अल्लाह हाफिज़, कल मिलूंगी एक नए दिन के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।